तो छत्तीसगढ़ व्यापम 2023 में आप सभी को बताना चाहता हूँ मत्स्य निरीक्षक के बारे में। जी हाँ, मत्स्य निरीक्षक के कुल टोटल 141 पदों पर जो है भर्तियाँ होने वाली हैं, और मत्स्य निरीक्षक के 141 पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, आपको जो है कामयाबी भी है मिल पाएगा। तो मत्स्य निरीक्षक के 141 पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप जो है मत्स्य निरीक्षक जो है नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, इसके साथ आपका आयु सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आपको छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, 45 साल के हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, 43 साल के हैं, आप इसमें डेफिनेटली एलिजिबल हो, आप डेफिनेटली इसके लिए जो आवेदन कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में मत्स्य निरीक्षक के 141 पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। बस कोशिश करते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रिजल्ट जो है आपको मिल पाएगा, और देन आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो मत्स्य निरीक्षक के 140 पोस्ट की तैयारी अच्छे से कीजिए। आई होप वीडियोस आपको पसंद आए हो, वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।